अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी। इस साल 2024 में बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आ चुकी है। क्या आपको पता है बाबा बर्फानी के सबसे पहले दर्शन आखिर किसने किए थे? अमरनाथ गुफा की कुछ अनसुनी और हैरान करने वाली 5 बातें आइए आपको बताएं सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। सबसे पहले आपको बता दूं कि अमरनाथ गुफा में हर साल हिम यानी बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग तैयार होता है। हैरान करने वाली बात यह है कि हिमलिंग के निर्मित होने के लिए पानी का जो सोर्स है वो क्या है और ये शिवलिंग कैसे बनता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। इसके अलावा एक और मिस्ट्री है शिवलिंग के आसपास का जमा हुआ बर्फ। कमाल की बात यह है कि हिमलिंग ठोस बर्फ का होता है जबकि इसके आसपास फैला बर्फ कच्चा होता है। अगर टेम्परेचर कम होने की वजह से हिमलिंग ठोस हो जाता है तो आसपास के बर्फ को भी ठोस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पता है सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन किसने किए थे? चलिए बताते हैं अगले फैक्ट, फैक्ट नंबर 2 में। पौराणिक कथा के मुताबिक अमरनाथ गुफा के पहले दर्शन महर्षि भृगु द्वारा किए गए थे। एक कथा के मुताबिक एक बार कश्मीर घाटी पूरी तरह से पानी में डूबने वाली थी। उस दौरान महर्षि कश्यप ने नदियों नालों के जरिए पानी को बाहर निकालने की कोशिशें की थी। जिस समय घाटी से पानी को बाहर निकाला गया उस दौरान महर्षि भृगु हिमालय की यात्रा करते हुए उसी रास्ते से निकल रहे थे और उन्हें तपस्या करने के लिए किसी शांत सी जगह की तलाश थी। ऐसे में वो खोज करते हुए अमरनाथ गुफा पहुंच गए जहां उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। तभी से हर साल अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ होती है। वैसे एक दूसरी कथा भी है जो बताती है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी, और ये हम आपको बताते हैं फैक्ट नंबर 3 में। अमरनाथ गुफा के दर्शन करने की एक और कहानी है। गुफा को एक बूटा मलिक नाम के चरवाहे ने खोजा था। कहते हैं 15वीं शताब्दी में बूटा मलिक को एक संत ने कोयले से भरा बैग दिया था और जब वो थैले को लेकर वापस लौटा तो उसमें कोयले की जगह सोने के सिक्के थे। बूटा ये देखकर हैरान रह गया और संत को धन्यवाद करने के लिए जब वो उस जगह पर पहुंचा तो उसे वहां कोई संत नहीं मिला बल्कि उस जगह पर शिवलिंग की एक गुफा मिली। कहते हैं तभी से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। क्या आपको पता है अमरनाथ धाम के 5 स्थान बहुत खास है जो कराते हैं शिव की मौजूदगी का एहसास? बताते हैं आपको अगले फैक्ट, फैक्ट नंबर 4 में। चंदनबाड़ी अमरनाथ गुफा की यात्रा मार्ग में वो स्थान है जहां पर भगवान शिव ने अपने माथे के चंदन और भभूत को उतार कर रख दिया था, इसलिए यहां का कण-कण परम पवित्र माना जाता है। यहां की मिट्टी को चंदन के समान माथे पर लगाकर श्रद्धालु शिव कृपा की अनुभूति कर सकते हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा के मार्ग में एक बहुत ही मनोरम झील है जिसे शेषनाग झील कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस झील में शेषनाग का वास है। 24 घंटे में एक बार शेषनाग इस झील में कुछ पल के लिए प्रकट होते हैं। वैसे इस जगह की बनावट भी ऐसी है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो शेषनाग अपने फन फैलाए बैठे हो। अमरनाथ गुफा में एंट्री से पहले यहाँ भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में मौजूद नाग को यहाँ रखा था। पंचतरणी नामक स्थान में पंचतरणी नदी की 5 धाराएं बहती हैं। माना जाता है कि ये भगवान शिव की जटाओं से निकलने वाली धाराएं हैं। इन धाराओं को छूने पर मन को परम शांति और सुख अनुभूति कराते हैं। पंचतरणी से आगे बढ़ने पर संगम नाम का एक स्थान है। यहाँ पर अमरावती और पंचतरणी नदी का मिलन होता है। गुफा में शिवलिंग के दर्शन से पहले श्रद्धालु अमरावती नदी में स्नान करके पवित्र होते हैं, फिर अमरनाथ के दर्शन करते हैं। एक खास बात यह है कि अमरावती नदी के पास सफेद रेत मिलती है जिसे भगवान शिव का भभूत माना जाता है। श्रद्धालु इस भभूत रूपी रेत को अपने शरीर पर मलते हैं और बाबा अमरनाथ के जयकारे लगाते हैं। अमरनाथ की गुफा में हो जाते हैं शिव पार्वती के दर्शन, कैसे चलिए बताते हैं आपको जाते जाते इस वीडियो के आखिरी फैक्ट, फैक्ट नंबर 5 में। कहते हैं ऐसा किसी ने पुष्टि नहीं की है इस तथ्य की, लेकिन कहते हैं अमरनाथ की गुफा के बारे में मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव और देवी पार्वती का सफेद कबूतर के रूप में निवास है। कुछ भाग्यशाली लोगों को इनके दर्शन भी हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बाबा बर्फानी के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहे एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूँ आपके साथ।